हेलो भाई, मैं हूं दीपांशु और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं रेनो की क्विड का। दोस्तों, क्विड का क्लाइंबर वेरिएंट है। क्लाइंबर वेरिएंट जो है नॉर्मल वेरिएंट से थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब थोड़ा स्पोर्टी लुक इस कार में हमको मिलती है क्लाइंबर वेरिएंट के अंदर। क्लाइंबर ऑप्शनल वेरिएंट है फ्रेंड्स ये। अब दोस्तों, इसके मैं राइवल्स की बात करूँ तो ऑल्टो और डैटसन की रेडिगो इसके राइवल्स के अंदर आती हैं, जो कि एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट में आती हैं। वही कार्स दोस्तों इसके राइवल्स में आती हैं। अब बात करो दोस्तों इसकी प्राइसिंग की, तो 5.16 लाख रुपीज़ यानी 5,16,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइसिंग है गाज़ियाबाद के अंदर। ऑन रोड प्राइसिंग जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है फ्रेंड्स, वो उनके अपने टैक्स के हिसाब से होती है। अब बात करो इसके इंजन की, तो 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है हमें इस कार के अंदर, जो कि 67 BHP की पावर बनाता है और 91 Nm का टॉर्क। 21.7 KMPL का कंपनी इस कार के अंदर माइलेज क्लेम करती है पेट्रोल के अंदर, और बोनट के अंदर हमें यहाँ पे इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराई गई है। अब बात करो दोस्तों इसके आउटर लुक्स की, तो फ्रंट से देखने में कार काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी दोस्तों स्पोर्टी लुक इसकी मुझे लगी फ्रंट से देखने के अंदर। चलते हैं अब दोस्तों इसके सेंटर की तरफ, तो यहाँ पर ब्लैक कलर की ग्रिल के ऊपर क्रोम वर्क किया गया है और रेनो का बड़ा सा लोगो मिल जाता है सेंटर में ही। अब माओ थोड़ा राइट साइड में, तो यहाँ पर DRL मिल जाता है और उसी के दोस्तों अंदर हमें यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है। नीचे की साइड यहाँ पर डबल चैम्बर हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, वो भी ऑरेंज एलिमेंट के साथ में, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने के अंदर। और दोस्तों यहाँ सेंटर ग्रिल जो है हमको ब्लैक मिलती है रेडिएटर वाली, और नीचे यहाँ पे स्पॉइलर भी दिया गया है डार्क ग्रे और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन के साथ में, जो कि स्पोर्टीनेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है कार की। क्विड के अंदर ड्यूअल टोन के वेरिएंट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें हमें रूफ ब्लैक मिल जाती है इस कार के अंदर। अब मान दोस्तों इसकी साइड प्रोफाइल में, तो साइड में यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है हमको ब्लैक क्लैडिंग के ऊपर। और बात करो उसके टायर साइज की, तो 165/70R14 के इसमें ब्लैक स्टील रिम मिल जाते हैं, जिसपे कि व्हील कैप लगा हुआ है, व्हील कवर लगा हुआ है, देखने में अलॉय व्हील जैसे लगते हैं ये। साइड में यहाँ पे हमें डोर पे बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है और यहाँ पे क्लाइंबर की बैजिंग मिल जाती है स्टिकर टाइप में, और ऑरेंज कलर के इसमें ORVM मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है ब्लू और ऑरेंज का। अब बात करूँ दोस्तों इसके रूफ की, तो रूफ में हमें दो रूफ रेल्स मिल जाते हैं, जिन पर ऑरेंज कलर का एलिमेंट हमको मिल जाता है, और नॉर्मल एंटीना ही हमें इस कार में मिलता है, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। बी पिलर हमें ब्लैक मिलता है और ब्लैक कलर के हमको डोर हैंडल्स मिलते हैं इस कार के अंदर। अब बात करूँ रियर लुक की, तो दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है इसकी रियर लुक, जहाँ पे हमको दोस्तों सबसे ऊपर ग्लास में हमें सबसे ऊपर दिख जाता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, आप देख सकते हैं। और अब आओ मैं नीचे की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे लोगो मिल जाता है रेनो का, कोड की बैजिंग, और लोगो के बीच में यहाँ पे हमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी प्रोवाइड कराया गया है। रेनो की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पे दोस्तों इसके टेल लैंप हमें मिलते हैं, जो कि हेलोजन वाले टेल लैंप हैं इसके, देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। आऊँ मैं नीचे की तरफ, तो बम्पर में दो रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कराए गए हैं और 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। नीचे ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है हमको, जो कि कार के एसयूवीनेस को और इंक्रीज़ कर रही है। ओवरऑल लुक कुछ ऐसी आती है इसके रियर से। अब दोस्तों मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। बूट ओपन करने के लिए हमें अंदर से ही ओपन करना होता है लीवर से, यहाँ पर कोई बटन वगैरह नहीं मिलता हमको, या फिर हम यहाँ मैनुअली चाबी से कर सकते हैं। क्विड के अंदर हमको 279 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि प्रैक्टिकली काफ़ी सफिशिएंट बूट स्पेस है। मैं आपको बताऊं, ये रेडिगो और ऑल्टो 800 दोनों से ही बड़ा बूट स्पेस इस कार के अंदर हमको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं इस कार के अंदर। भाई कुछ ऐसी दिखती है इसकी चाबी, नॉर्मल यहाँ पर रेनो का लोगो मिल जाता है, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। ऑल ब्लैक के अंदर इसका डोर पैनल मिलता है, लॉक अनलॉक का बटन होगा यहाँ पे, सिल्वर फिनिश ऑरेंज फिनिश का यूज़ भी किया गया है। नीचे क्रोम वर्क में किया गया डोर ओपनर के ऊपर, नीचे यहाँ पे बॉटल होल्डर और थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे कोई स्पीकर वगैरह की जगह नहीं मिलती है हमें इस कार के अंदर जगह। अब चलें इसके अंदर, बात करूँ सीट की, तो दोस्तों सेम ब्लैक और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में फैब्रिक की सीट मिल जाती है इस कार के अंदर, जिनका मुझे कुशन डिसेंट लगा। और ये दोस्तों हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है, नॉर्मल सीट है। इसका जो हेडरेस्ट है वो दोस्तों हमें अटैच्ड ही मिलता है। बात करूँ स्टीयरिंग व्हील की, तो इसका दोस्तों डी कट स्टीयरिंग व्हील हमको दे मिलता है, जिसमें यहाँ पे रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाती है। ब्लैक पियानो फिनिश का इस्तेमाल किया गया है कहीं कहीं, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। बात करूँ मीटर की, तो दोस्तों इसमें लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिलता है, सेंटर में डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें स्पीडोमीटर, ट्रिप रिसेट, माइलेज रेंज वगैरह हम देख सकते हैं। राइट साइड में फ्यूल गेज मिलता है। यहाँ पे दोस्तों हेडलैम्प के स्विचेस मिलते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर वाइपर के स्विचेस, एसी वेंट्स कुछ ऐसे मिलते हैं सर्कुलर शेप के, जिस पर क्रोम फिनिश करी गई है। और ये दोस्तों बाहर के ORVM का यहाँ पे हमें ये हैंडल मिल जाता है एडजस्ट करने का। आऊँ मैं सेंटर की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे हमको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया और ऑरेंज कलर का भी यूज़ किया गया, जो कि अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने के अंदर। ऊपर दो एसी वेंट मिल जाते हैं, 8 इंच की दोस्तों टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, जिसमें ब्लूटूथ, FM रेडियो जैसे सभी फीचर्स सपोर्ट करते हैं। रिवर्स कैमरा भी क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों कुछ ऐसी इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी है। ओके ओके लगी, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, हजार्ड लैंप का स्विच, ये पावर विंडो के स्विचेस सेंटर में मिलते हैं एस्प्रेसो की तरह ही। फ्रंट की दो पावर विंडो इस कार के अंदर मिलती हैं, ये मैनुअल एसी इस कार के अंदर हमको मिलता है। नीचे की तरफ तो यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और ये यूएसबी पोर्ट टॉक्स का पोर्ट मिल जाता है हमें। थोड़ा सा स्पेस आगे की साइड मिल जाता है कुछ बॉटल वगैरह रखने के लिए। कोई कप होल्डर आगे इसमें नहीं दिया है, तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पर कुछ रख सकते हैं सामान आपका जो भी हो। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। सबसे यूनिक चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि इसका रिवर्स गियर भी ऐसा लगता है उठा के, तो दोस्तों ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ लगी इसकी। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है इस कार के अंदर। हैंड ब्रेक कुछ ऐसा मिलता है इस कार के अंदर, आप देख सकते हैं छोटा सा, सही लगता है देखने के अंदर। बात करूँ ग्लोव बॉक्स की, ग्लोव बॉक्स काफ़ी बड़े साइज़ का इस कार के अंदर मिलता है। पर्सनली मैं आपको बताऊँ ऑल्टो से भी बड़ा है, देखने के अंदर काफ़ी बड़ा लग रहा है और ये वाकई में भी बड़ा है हकीकत में भी। यहाँ पे क्विड की बैजिंग मिल जाती है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया कार के अंदर। सिंपल सा आईआर भी मिलता है, कोई एडजस्टेबल मतलब वैसा नहीं है डे नाइट वाला। रियर डोर पैनल हमको ऑल ब्लैक कलर के अंदर मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको लॉक अनलॉक का स्विच मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम के अंदर डोर ओपनर मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पे पावर विंडो का स्विच मिल जाता है डोर पे ही, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगी, डोर पे स्विच दे दिया। दोस्तों कुछ इतना स्पेस हमें इसका मिलता है, स्पेस तो सफिशिएंट है, लेकिन इसके अंदर अंडर थाई सपोर्ट की थोड़ी मुझे कमी लगी। जैसे कि दोस्तों थोड़े लंबे लोग बैठेंगे ना, तो उनके लिए थोड़ी समस्या होने वाली है। बाकी बात करूँ मैं इसमें, अगर हेल्दी पर्सन होंगे तो दो ही आ पाएंगे परफेक्टली, और मीडियम साइज़ के होंगे तो दो बड़े और एक बच्चा आ जाएगा। सेंटर के अंदर आर्मरेस्ट मिल जाता है कुछ ऐसा। बात करूँ हेडरेस्ट की, तो वो भी अटैच्ड मिलता है हमको, एडजस्टेबल नहीं है फ्रंट वाले की तरह ही। स्पेस मैंने आपको दिखा दिया, अंडर थाई सपोर्ट की थोड़ी कमी है। इस कार के अंदर सेफ्टी के तौर पे दो एयरबैग, ABS, EBD, एंटी थेफ्ट डिवाइस जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें मिल जाते हैं। आज मैं आया था दोस्तों रिनो गाजियाबाद सिटी, गाजियाबाद के अंदर ये डीलरशिप है। बात करूँ क्विड की, तो दोस्तों 5 लाख के बजट में दोस्तों इस कार के अंदर सभी फीचर्स हमें मिल जाते हैं। 1 लीटर इंजन मिल जाता है, अगर आपको थोड़ा सा पावरफुल इंजन चाहिए क्विड के अंदर, तो आप 1 लीटर वाले इंजन पर जा सकते हैं बिल्कुल। और दोस्तों काफ़ी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती है ये कार दोस्तों, सभी फीचर्स हमें इस कार के अंदर मिल जाते हैं। आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।